Hamari icing sugar and our butter. Same ratio, 200 grams of butter. इसको हम क्रीम करेंगे और फिर इसमें हम अपनी आइसिंग शुगर मिलाएंगे। स्पून एट अ टाइम ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो सके और इसमें एयर ट्रैप हो सके। तो आप मिक्स करते रहें जब तक कि आपको लगे कि इसमें स्टेबिलिटी आ गई है। देन यू ऐड मोर और आखिर में जो आपके लिक्विड्स हैं तो यूजुअली मैं मिल्क ज़रूर डालती हूँ लेकिन मेरे पास लेमन जूस भी है तो उसका रेशियो हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। तो ये आइसिंग शुगर इतनी फाइन होती है कि जब आप इसको किसी भी मिक्सर में डालें तो सबसे पहले उसका क्लाउड बन जाता है। So you have to be careful not to make a mess. That's enough. इसको अब हम थोड़ा सा fast करेंगे और इस time पे हम इसमें lemon juice डालेंगे। Okay. Let's have a look. Beautiful. Smooth. Lovely.